सत श्री अकाल, मैं रमनदीप सिंह, तुम देख रहे हो 7C न्यूज़। 35% कटौती पठानकोट जिले के कणक की की गई है, जिदे करके काफ़ी जनता प्रभावित हुई है। पिछले दिनों के भी काफ़ी विवाद देखने मिले ने, जोड़े लाभपात्री ने डिपू होल्डर अजिहा एक मामला हूँ सामने आया। पठानकोट की इंदिरा कलोनी के स्थित इस डिपू होल्डर डिपू के जिते कि तुम देख सकते हो कि लंबिया लंबिया लाइन लगिया हुई हैं, बीबिया लंबिया लाइन के खड़ी हैं। दूजे पास जोड़े बजुर्ग भी बहुत वही गिनती के मौजूद ने। दस दिए कि इतने जो डिपू होल्डर गलबात की गई तो उन्होंने कहना है कि उन्हों का कोटा जो उन्होंने मिले सगा वो पूरा हो चुका है, जिस करके उन्होंने पर्चिया जो बन दें वो नहीं कर सकते। तो किसी होर डिपू का कोटा इतने ट्रांसफर होएगा तो उस तो बाद जर्चिया कट्टिया जाएगियां। पर दूजे पास जो लोगों की गल करिए तो उन्होंने कहना कि सवेरे 8 से 9 बजे उत्थे खड़े ने, 2 बजे का समा हो चुका है पर हजे तक कोटा ट्रांसफर नहीं होया। तो लोग ज्यों दी त्यों लाइनों के खड़े ना, इन्हें जवाब दिता गया ना कोई तसली बख्श जवाब दिता गया कि एक लोग की करन जा या वेट कर। उत्थे ही गल करिए तो कई इतने नुमाइंदे भी पहुंचे ने, लीडर भी पहुंचे ने, उन्होंने कहना कि डिपू होल्डर पिक एंड चॉइस का काम कर रहे हैं। जिमें कि पहला भी कई डिपू होल्डर के उत्ते अजे इल्जाम लगे ने, इतने भी लगे ने कि डिपू होल्डर अपने अपनी मन मर्जी के नाल अपने चहेतियां की पर्ची कट देंगे ने, तो जोड़े लोग दूरों आते हैं जरूरतमंद लोग ने उन्हों की पर्चिया नहीं कट्टी जाए। तो इतने जोड़े आनंदपुर रड़ा होर अमरूदा की चुगियां ने, उस आस पास के लोग कई थावां उत्ते जिते डिपू नहीं मौजूद नहीं है उतों के लोग इतने पहुँचे ने, तो जिन्हों राशन नहीं मिलने करके काफ़ी रोष भी जताया जा रहा। उत्थे डिपू की गल करिए तो डिपू इतने मौजूद है। सरकार वालों दी गई हदायतों की कोई भी यह डिपू पालना नहीं करता, ना इतने बाहर डिपू का कोई बोर्ड लगाया गया, ना इतने ये लिखा गया कि डिपू खुलन का समा किन्ने बजे का, ना ही इतने ये लिखा गया किन्ना इतने राशन आता है तो किन्ना इतने आम लोगों को दिता गया। सो प्रशासन को भी चाहिए कि कितना कित लोगों की सहूलत दे जड़ियां हदायतां लागू कीतियां जांदियां ने उन्होंने उत्ते गौर किया जाए तो उन्होंने सख्ती दे नाल पालना करवाई जाए। हुण देखना यह होगा कि प्रशासन हरकत दे विच कदों आंदा है, इत्थे की कार्रवाई हुंदी है, तो इहड़े लोग इत्थे खड़े ने राशन लैण दी उम्मीद दे विच इन्हां नूं राशन कदों मिलता है। कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने देनी है यह वार्ड वाइज बंदे बुला लेंगे, 11 बजे आ जाओ जी, 12 बजे आ जाओ जी, 3 बजे तक इतने बिना रोटी खाधे पीते जनता बैठती है। कल भी इतने बैठे रहे मशीन नहीं चली, परसों भी बैठे रहे मशीन नहीं चली, इन्हों की जी मशीन ही नहीं चलती, कहते जी नैटवर्क नहीं है। 30-40 पर्चियां कट दियाँ, कुछ सिफारशी कटो जाए, कुछ किदा कटो जाए। साड़ी वार्ड की जी पर्ची कटोई है सारी सिफारशी कटोई है। साढ़ा 28 वार्ड से अभी मेहरबान को कटते सी, उन्होंने होटल से पर्चियां कटिया, सानू उन्होंने सानू इनफॉर्म नहीं किया, पहले तो इनफॉर्म ही नहीं करते। इतने आके चक्कर लगाई जा लगाई जाए, कदों आनी मशीन, कल आनी जी, परसों आनी जी, किसी ने कितने काम ही जाना होंगे, वो तो रह गया। फिर अगर सरकार ने देनी है सही तरीके देनी, दे नहीं देनी तो सब ही बंद कर दे, कोई इतराज नहीं। पर यह जी जी खज्जल करे करते हैं, खराबी करे करते हैं, यह बहुत गलत करे करते लाइन च लगे तो सारे लगे पूरे किन्ने वार्ड पहले उनके को पूछो जाके कि समा हो गया लाइन च लगे हुए इन्हों सवेरे 11 बजे काम शुरू किया भाई जी। तो मशीन जी चल रही क्यों नहीं चल रही मशीन? हाँ जी मशीन जी नहीं चल रही क्यों नहीं चल रही? मशीन चलती पी है क्यों नहीं चलती पी? कितनी देर हो गई किसी की पर्ची नहीं कटी गई? सवाल तो ही सही करो ना पहले, सही ढंग क्यों नहीं कटेगी? तुम कह रहे हो कि मशीन नहीं चल रही, की रीज़न की है मशीन क्यों नहीं चल रही, पर्ची क्यों नहीं कटेगी? पर्ची पर कोटा फुल हो गया है, हूँ दूसरे डिपू का कोटा आना है जो आएगा, इस करके जनता को डकिया नहीं तो जनता को वापस भेज देने। कितना समय लग सकता कि दूसरे कोटा ट्रांसफर हो? डिपार्टमेंट गल करो। मेरा नाम चमन लाल जी। करना इतने कणक लैन आया डिपू से, इन्होंने सू पहले कहा भी कल आके ले लो डिपू तो कणक परची कटा लियो, तो परची आना ही सवेर का, मैं 9 बजे आया वहाँ, तो इन्हें परची जी मेरी कट्टी आई, मैंने पिछले लाइन से ला दिता इन्होंने जबरदस्ती धक्केशाही ना ही, क्या चल जाओ है नहीं इतने कणक ये वो यही गल कर हूँ, ये हूँ कि खत्म हो गया कोटा, खत्म हो गया कोटा, खत्म हो गया, अद्धा घंटा होर वेट करो, मैं बुढ़ा बंदा मेरे को तो खड़ोता भी नहीं जाता, मेरे लक में अगर पीड़ होने ली बिलकुल भी इन्हें मतलब नहीं सुनाई की, कल भी अभी सारा दिन खड़े रहे हैं, बिलकुल नहीं इन्हें सू पुछा है, तो अज भी अभी सवेर के 6 बजे लगे दे ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ, ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 30 ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ।
कल भी इन्हें दिन ड्रामा किया अज भी इन्हें किया तो जिहदे कोल भी जाओ वह बोलता वो कोल जाओ वह कहता वो कोल जाओ एक किन्नी किन्नी दूर लोग आए दिन इनकी कोई सुनाई नहीं है अगर देना है तो ठीक है नहीं तो सू जवाब दे दो भाजी मैं वार्ड नंबर 49 की नुमाइंदगी करना और इस वार्ड तो मैं एम सी भी रहा हुआ सर साढ़े इलाके अमरूदा झुग्गियाँ गांधी नगर रामगढ़िया गली तो शास्त्री नगर च कोई डिपू नहीं है एक भी डिपू नहीं है एक डिपू सी जरा पवन खुल्लर जी ने अलाट होया पिछली सरकार के दौरान लेकिन पवन खुल्लर जी ने कोई अपनी तबीयत का हवाला दे के तो 6 महीने वास्ते रैसट ली सी जो असी सुनिया कि हुण सरकार ने सारे ही अलाट किए पिछली सरकार के डिपू कैंसल करते हैं मेरे इलाके के बंदियां नूं शास्त्री नगर अमरूदा वाली झुग्गियाँ पटेल नगर गांधी नगर रामगढ़िया गली नूं बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ रही है जदों वो बेचारे लोग अपना टाइम भन के दिहाड़ी भन के बीबिया या मेरे भरा कणक लैन वास्ते इन्हां डिपूआं ते आंदे आ जिहड़े आनंदपुर रड़े दे एरिए दे विच हैगे आ इत्थे 4-5 डिपू ने इक्को एरिए च गुलशन दा डिपू इत्थे आ कालू दा डिपू इत्थे आ एक हुण कोई केवल नूं लाट होया वै इस तरह करके एक होर डिपू है ये 4-5 डिपू इक्को इलाके च ने और साढ़े इत्थों मेरे इलाके कोई डिपू नहीं है साढ़े उस एरिए और उस इलाके की आबादी ना ना करते भी 10,000 की आबादी जी प्रभावित हो रही है सिर्फ इस करके प्रभावित हो रही है क्योंकि उससे डिपू नहीं है इतने डिपू होल्डर की किया जा रहा है इतने डिपू होल्डर एस की करते हैं डिपू होल्डर जो साढ़े इलाके लोग इधर आते हैं ना तो यह कहें जी अमरूदा वाली झुग्गियाँ की अभी पर्चिया नहीं कटनिया असी गांधी नगर की पर्चिया नहीं कटनिया ये मन मर्जी के नाल पिक एंड चॉइस करके पर्चिया कटते हैं जड़े लोग इन्हों मूँह मत्थे लगते उन्हों की पर्चियां कट देने और साडे इलाके बिल्कुल इग्नोर कर देने और वो बेचारिया बीबिया तुम देख सकते हो कि लंबिया लाइना लाइया कल सारिया मेरे घर आ गई सी मैं फिर इंस्पैक्टर साहब ना गल की इंस्पैक्टर साहब ने मैंने आश्वासन दवाया लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकलिया हाली तक तो हूँ कितनी देर होगी लाइन च लगे तो यह सवेर के सारे जने 9 बजे तो लाइन च लगे आ और 9 बजे के लाइन च लगन के दौरान जो सूत्रों के द्वारा मैं पता लगा कि 25 तो 30 कार्ड ही सिर्फ लोगों को कणक मिली है तो हूँ इन्हों का कोटा खत्म हो चुका है हूँ कोई डिपू होल्डर की डैथ हो गई है बिट्टू को डिपू होल्डर है वह कोटा ट्रांसफर होएगा इनू तो फिर ये कार्ड की पर्चियाँ कटेगा उन्हां चिर पर्चियाँ नहीं कट सकता क्योंकि ये कोटा नहीं है